रीवा में यात्री बस को रोककर बदमाशों ने कंडक्टर से रंगदारी मांगी, जिसका विरोध करने पर उन्होंने कंडक्टर की पिटाई कर दी। इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में पुलिस ने बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार किया है। यात्री बस को रोककर कंडक्टर से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां बदमाशों ने बस को रोककर रंगदारी दिखाते हुए चालक से पैसे की मांग की। अब इसमें नाबालिग आरोपी की गिरफ्तारी के बाद और अन्य बदमाशों की गिरफ्तारी भी होना बाकी है। ये नई बड़ी थाना क्षेत्र में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ युवक बस ड्राइवर बस कंडक्टर के साथ मारपीट करते हुए दिखा रहे हैं। हाँ, नई गढ़ी थाना क्षेत्र में एक घटनाक्रम है। एक नाले के पास में कुछ लोग मिले, बस को रोका और उसके बाद उसके कंडक्टर को नीचे उतार के उसके साथ मारपीट करने का प्रयास भी करा, तो कुछ हाथापाई की है। कुछ एक बगा टाइप का हथियार वगैरह भी दिख रहा है वीडियो में। उसके आधार पर जब क्लीनर वगैरह उतर के आया, कुछ वो हुआ तो वहाँ से भाग गए हैं। और उसके बाद थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई, तो थाना प्रभारी के द्वारा 327 अनंत धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में ले लिया गया है। आई मेरी थाना प्रभारी से बात हुई, उन्होंने एक व्यक्ति को अभिरक्षा में लिया है जो नाबालिग है। अभी तीन साथी उसके और अभी फरार हैं। जानकारी ऐसा लग रहा है कि कुछ इस तरह की जब ये हरकत कर रहे थे और भाग रहे थे, तो ग्रामीणों ने पकड़ के उनके साथ ही मारपीट कुछ की हुई है। अभी वो कहाँ है पुलिस को इस बात का पता नहीं है। पुलिस पतासाजी लगातार कर रही है। सर, वजह क्या थी, क्यों मारपीट कर रहे थे कंडक्टर के साथ? ये बता रहे हैं कोई उसी तरह की दादागिरी टाइप की हरकत कर रहे थे कि इस तरह से अगर इधर से निकलना है तो पैसे देने पड़ेंगे, फलाना ढिकाना, इस तरह की ही बातचीत पर से 327 का प्रकरण अभिभाजिकन के विरुद्ध कायम करके पुलिस ने विवेचना में लिया है।